क्यों लग रहा है ना व्हाइट सॉस पास्ता रेस्टोरेंट के टक्कर का? इसकी सॉस बिल्कुल अंदर तक घुस गई है, तो हर बाइट में सॉसी फ्लेवर, वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस और इटालियन हर्ब्स का फ्लेवर आने वाला है। व्हाइट सॉस पास्ता बिना चीज के इमेजिन किया है, बहुत स्वाद बनता है। बस आज वही बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. White sauce pasta हम बिना cheese के बना रहे हैं तो definitely ये healthy तो बनेगा ही। और एक और चीज़, इसके अंदर आप अपनी पसंदीदा vegetables भरपूर डाल सकते हैं, जो कि इसको और healthy बना देगा। तो मैं इस rich flavored पास्ते का बहुत ही simple step by step process आपको बताऊंगी, जिससे आप ये पास्ता घर पे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये videos पसंद आ रही हैं, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलो यमी क्रीमी पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे, तो मैंने पैन में लिया है लगभग 1 लीटर पानी और 2 टीस्पून सॉल्ट। क्योंकि पास्ते का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, तो नमक से इसमें हल्का सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑयल, ताकि बॉईल के वक्त पास्ता आपस में ना चिपके। अब हम पानी का उबलने का वेट करेंगे। मैंने यहाँ पेने पास्ता लिया है, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप कोई और शेप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने बॉइल पानी में डाल देंगे और एक बार स्पैचुला चला देंगे, ताकि ये अलग अलग हो जाए। बॉइलिंग के टाइम हमें ऑयल सिर्फ 1 टेबलस्पून लेना है, ज्यादा नहीं लेना। क्योंकि ज्यादा ऑयल से क्या होता है कि हमारी सॉस जो हम बनाएंगे पास्ते के लिए, वो हमारे पास्ते पे अच्छे से चिपक नहीं पाती। कुछ देर के लिए इसको बॉईल करेंगे एंड बीच बीच में हल्के हाथों से इसको चलाते रहेंगे। पास्ता हमारा बॉईल हो गया है, एक बार इसको कट करके चेक कर लेते हैं कि ये नरम हो गया है। क्योंकि ये बहुत आसानी से कट हो रहा है, तो मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम पास्ते को ड्रेन कर लेंगे, उसके लिए एक छल्ली में इसको पोर कर लेंगे एंड ठंडे पानी से इसको धो लेंगे टू स्टॉप कैरी ऑन कुकिंग। पास्ता बॉईल हो गया है, अब हम पकाएंगे अपनी वेजीज। उसके लिए एक पैन में लेंगे लगभग 4 से 5 चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा, उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच फाइनली चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि गार्लिक का पास्ते के अंदर फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। तो आप पास्ता बनाए जब इसको डालना मिस बिल्कुल ना करें। इसको हम स्पैचुला से लगातार चलाते रहेंगे और जैसे ही हल्का सा भुनना शुरू होगा, इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज चॉप्ड अनियन लिया है। अनियन को भी हम गार्लिक के साथ भून लेंगे। भूनते टाइम हमें फ्लेम को मीडियम हाई पे रखना है, लो फ्लेम पे वेजेस को नहीं पकाना। इसको हमें बस 1 मिनट तक सॉटे करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बस हल्का सा प्याज नरम हो जाए, उतना ही इसको पकाना है। जैसे ही आपको लगेगा नरम हो गए हैं, इसके अंदर हम डालेंगे कैरेट। कैरेट को भी मैंने चॉप कर लिया है। इसको भी हम प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हल्के से नरम हो जाएंगे, इसके अंदर डालेंगे हम अपनी नेक्स्ट वेजी, जो कि है कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे कई तरह के कैप्सिकम लिए हैं। ग्रीन कैप्सिकम लिया है, रेड कैप्सिकम लिया है और येलो कैप्सिकम लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से पास्ता बना सकते हैं, क्योंकि रेड एंड येलो शिमला मिर्च इजीली मार्केट में कभी कभी नहीं मिल पाती। टेस्ट में इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सभी वेजेस को हम पका लेंगे। यूजली बाकी डिशेस में हम इस स्टेज पे सॉल्ट डाल देते हैं, पर इसके लिए नहीं डालेंगे। उसका रीजन ये है कि सॉल्ट से वेजेस पानी छोड़ देती हैं और ज्यादा पकने से उनकी क्रंचीनेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम डालेंगे कॉर्न्स। इसके लिए आप फ्रोजन कॉर्न्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल कॉर्न्स लिए हैं और इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है, ताकि नरम हो जाए। सभी वेजेस हमारे नरम हो गए हैं और साथ में क्रंची भी हैं। अब अपनी वेजीज में डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है ऑलिव्स। इसको भी हम मिला लेंगे और 30 सेकंड्स तक पका लेंगे। ऑलिव्स को हम लास्ट में डालते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कैंड ऑलिव्स लिए हैं। वेजीज हमारी पक गई हैं, ये बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे अपनी सॉस। उसके लिए हम पैन के अंदर लेंगे लगभग 3 टेबलस्पून बटर। बटर को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा पकाने से इसका कलर चेंज हो जाता है,
जिसकी वजह से हमारे पास्ते का टेस्ट चेंज हो सकता है। तो हम फ्लेम को इस टाइम पे लो रखेंगे और जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होने लगेगा इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जलने का डर ना रहे। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे की और बटर की प्रपोर्शन हमें सेम रखनी है। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बटर लिया है और 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। इन दोनों को अब हम विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मैदा अच्छे से पक जाए। जैसे ये विस्कर से अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अपने स्पैचुला से लगातार हम मैदे को और बटर के मिक्सचर को चलाते रहेंगे ताकि मैदा हमारा जले ना। और जैसे ही हमें मैदे की खुशबू आने लगेगी आप समझ जाना कि आपका मैदा अच्छे से पक चुका है। मैदे का एंड बटर का प्रपोर्शन इक्वल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी सॉस या तो गाढ़ी बन जाएगी नहीं तो काफी पतली बन जाएगी। अब हम पोर करेंगे इसके अंदर मिल्क। जैसे ही हम दूध डालेंगे हमें इसको विस्कर से तेज तेज चलाना है ताकि हमारे लम्स ना बने और जो भी लम्स हैं वो जल्दी से मिक्स हो जाएं। तो हम विस्कर को तेज तेज चलाते रहेंगे और जैसे ही हमारे लम्स टूटते रहेंगे हम इसके अंदर धीरे धीरे और दूध डालते रहेंगे और विस्कर को उसी तरीके से तेज तेज चलाते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे हम दूध को और मैदे को मिक्स कर रहे हैं और विस्कर को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते इस टाइम पे। तो इसको तेज तेज चलाते रहे और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि दूध मैदा और बटर एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम में फॉर्म हो चुके हैं। अभी वो स्टेज नहीं आई है क्योंकि अभी भी हमारा दूध अच्छे से हमारे मैदे के साथ मिक्स नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम और दूध डालते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्रीम की तरह ये फॉर्म हो चुका है। अभी भी हम विस्कर को चलाना बंद नहीं करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमारी सॉस का स्मूथ एंड क्रीमी बनना बहुत जरूरी है पास्ते के लिए। जैसे जैसे हमारा दूध पास्ते की सॉस के साथ घुलता जा रहा है हम इसके अंदर धीरे धीरे और दूध डालते जा रहे हैं। लम्स अब हमारे खत्म हो चुके हैं, बहुत ही क्रीमी हमारी सॉस बन चुकी है, सारा दूध अब हम इसके अंदर डाल चुके हैं। विस्कर को अब हमें ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लम्स हमारे सारे टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो विस्कर को अब आप हल्के हाथों से भी घुमाएंगे तो काम चल जाएगा। सॉस की क्रीम हमारी बन चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने इटालियन हर्ब्स। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ओरिगानो और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप पास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी कम कर दें। साथ ही 2 टीस्पून सॉल्ट। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे सभी हर्ब्स एंड चिलीज अच्छे से हमारी सॉस के अंदर मिक्स हो जाए। हमारी सॉस का कलर एंड उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अब हमारा पास्ता जो हमने पहले बॉईल कर लिया था। अपने पास्ते को अब हम सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से सॉस को और पास्ते को ऐसे मिक्स करेंगे कि हमारे पास्ते के ऊपर सॉस की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पास्ता कितना यमी लग रहा है और देखने से नहीं लग रहा है कि इसके अंदर चीज नहीं डला है। लास्टली हम डाल देंगे अपने पास्ते के अंदर अपनी वेजीज जो हमने पहले थोड़ी पकाई थी। वेजीज को भी हम पास्ते में मिक्स कर लेंगे और इसका कलर वेजीज डालने के बाद क्या जबरदस्त लग रहा है। ये पास्ता बहुत ही क्रीमी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। वेजीज हमारी पास्ते के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पास्ता के लिए, वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से पास्ते के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ब्लैक पेपर भी आप पास्ते के अंदर जरूर डालें। ब्लैक पेपर के बाद मैं डाल रही हूँ पास्ते के अंदर पार्सले। ये मैंने फ्रेश पार्सले ली है। पार्सले का भी फ्लेवर पास्ते के अंदर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो पार्सले डालना मिस भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
अब हमारा पास्ता बिल्कुल बनके तैयार है। इसको आप प्लेट में डाल के सर्व कर सकते हैं। और जब भी कोई गेस्ट आपके घर आए तो फटाफट से इसको बना के उनको सरप्राइज कर सकते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता हमारा बनके तैयार है। बिना वेट किए इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। ये पास्ता सच में ही बहुत क्रीमी और टेस्टी बना है। अगर आपने अभी तक पास्ता कभी घर पे ट्राई नहीं किया है और अगर किया है आपका पास्ता अच्छा नहीं बना है तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। आई एम प्रिटी श्योर आपका पास्ता बहुत क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनेगा और ये बनाने के बाद आप कभी रेस्टोरेंट में पास्ता नहीं ऑर्डर करेंगे। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन। और मैं इस पास्ते का मजा चखती हूँ।